यहां बैठा हुआ हरेक आदमी, हरेक बच्चा, हरेक युवा, हरेक बुजुर्ग वो सम्मान के काबिल है। दहशत नहीं होनी चाहिए दिमाग में, डर नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, सिर्फ अपना मकसद, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य और अपना समाज होना चाहिए। आदिवासी बचेगा तो ही भारत बचेगा, अगर आदिवासी नहीं बचा तो भारत बचेगा भी नहीं। अरे भारत की बात तो वो लोग कर रहे हैं यार जिनका ये देश ही नहीं है। इस देश का ओरिजिनल भू मालिक तो आदिवासी, आप मालिक हो इस देश के, इस देश के चालक पालक और मालक आप हैं, आदिवासी है। इसी मकसद को टंटे मामा ने सामने रखा, उसके आंदोलन की माहिती जानकारी आपको मिशन के माध्यम से मिलेगी, प्रशिक्षण शिविर और कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है, ये जो लड़के आज घर बार छोड़ के महीने महीने भर एजुकेशन छोड़ के आपके बीच में काम करते भूखे प्यासे रहकर, इनका हौसला बढ़ाओ। यही समाज के सच्चे नेता है, ये जिंदा रहेंगे तो ही समाज का आंदोलन जिंदा है। यहां बैठे हुए हर लोग अपने अपने गांव में जाकर टंटे मामा की ओरिजिनल विचारधारा समझाओ, बैठाओ, उससे सामाजिक वार्तालाप करो। हमारा कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमको कोई बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, हमारी मां बहनों को सुरक्षित रखना चाहिए, हमारे समाज की आने वाली युवा पीढ़ी सुरक्षित रखना चाहिए। यही आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूं। भाइयों, हमको खुशी हो रही है, किसी समय ये विश्व आदिवासी दिवस के मनाने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए जेल में जाना पड़ता था, लेकिन आज मजबूर हो गई है गवर्नमेंट, बोल तो रहे लेकिन आधे नियत से। इन्होंने सिर्फ 20 जिलों में छुट्टी जाहिर किया है, इनसे पूछो क्या बाकी हुई मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में आदिवासी रहता नहीं क्या? सिर्फ 20 जिलों में क्यों? ये नियत बताती है। अबे मध्य प्रदेश आदिवासियों का है तो पूरे राज्य में छुट्टी होनी चाहिए, और आपके छुट्टी देने से और लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आदिवासियों को समझ गया है कौन से दिन छुट्टी मारनी है। आप देने वाले होते कौन है? कोई भी गवर्नमेंट रहे, कोई भी पार्टी की रहे,